चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज एल, कीपिंग द लेंथ एंड एरिया सेम द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज फोर टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का इंक्रीज कर दिया गया फोर टाइम्स, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज नाउ कितना हो जाएगा, तो फाइव बी इज इक्वल टू क्या होता है एन बी ए, ठीक है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू वन हो जाती है, जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो ऑब्वियस सी बात है कॉस थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी, तो फाइव बी इज इक्वल टू एन बी ए। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है एक सॉलोनॉइड के अंदर कितना होगा, ठीक है, म्यू नॉट एन आई होती है और एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल एन की जगह आप लिख सकते हैं म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, ये वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए। अब ये हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है एल इंटू आई, ठीक है, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा फाइव बी अपॉन आई। ठीक है, तो फाइव बी की वैल्यू ये है और अगर यहाँ आई है, आई को अगर इधर नीचे ले आओ तो फाइव बी अपॉन आई इज इक्वल टू एन, एन ना लिखे फाइव बी म्यू नॉट पहले लिख देते हैं एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए, ये वैल्यू एल होगी देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ टर्न्स और इसी का दूसरा फॉर्म है इसी इक्वेशन का, अगर मैं स्मॉल एन के टर्म में लिखूं तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, दोनों में क्या फर्क है एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है यहाँ पर और यहाँ एल कैपिटल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, लेकिन दोनों को कह रहा है कि कॉन्स्टेंट है। कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहा है, एरिया और लेंथ को सेम कंसिडर कर रहा है और कैपिटल एन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कैपिटल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा अगर ये एल कॉन्स्टेंट है और ए कॉन्स्टेंट है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स चार गुना हुए हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होगा, एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल इज इक्वल टू एन फाइनल स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, तो चार गुना एन हो गया है और पहले एन था तो ये 16 हो जाएगा ना, तो फाइनल फाइनल कितना हो जाएगा एल इनिशियल का 16 गुना, 16 गुना कौन सा, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।